प्रणाम। आज मैं आपको शासन स्थापना दिन के बारे में बताऊंगी। गांव गांव और नगर नगर में पता चला है, वैशाख सुदी 11 का दिन आया है, वीर प्रभु का शासन स्थापना दिन आया है। वैशाख सुद 11 का दिन हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे परम उपकारी करुणावत्सल श्री महावीर स्वामी परमात्मा ने शासन की स्थापना की थी। शासन की स्थापना मतलब चतुर्विध संघ की स्थापना। तीर्थंकर परमात्मा को जिस दिन केवल ज्ञान होता है, उसी दिन परमात्मा चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। श्री महावीर परमात्मा का केवल ज्ञान वैशाख सुद 10 के दिन हुआ था, लेकिन चतुर्विध संघ की स्थापना वैशाख सुद 11 के दिन हुई, क्योंकि प्रभु की पहली देशना में कोई भी आत्मा ने वीरती धर्म स्वीकार नहीं किया था। वैशाख सुद 11 के दिन गौतम स्वामी और बाकी के गणधरों को भगवान ने वासक्षेप से आशीर्वाद देकर गणधर पदवी प्रदान की थी। हम सब महावीर परमात्मा के शासन के अनुयायी है, जिन चतुर्विध संघ को खुद तीर्थंकर भी नमस्कार करते हैं, उस शासन में हमारा जन्म हुआ है। ये हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है। आज 2500 साल से भी ज़्यादा साल से हमारा शासन बड़ी ही सुंदरता से चल रहा है और आगे भी 21,000 साल तक चलता रहेगा। सत्य अहिंसा और मैत्री फैलावनारा है ये शासन। सभी जीवों पर करुणा वर्षावनारा है ये शासन। सभी जीवों को एक समान मानने वाला है ये शासन। ऐसे शासन के लिए हम जो भी करें वो कम ही है, लेकिन हम आज के दिन इतना तो प्रण ले ही सकते हैं कि जब जब शासन पर किसी भी प्रकार की आँच आएगी तो हम अपने फर्ज से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने जैन शासन की अवहेलना में कभी भी भागीदार नहीं बनेंगे। हर साल आज के दिन हम कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के कारण लॉकडाउन की स्थिति में हम घर में रहकर प्रभु की आज्ञा अनुसार भाव पूजा, सामायिक प्रतिक्रमण, विश्व शांति के लिए जाप, स्वाध्याय, अगर शक्ति हो तो तप, नहीं हो तो रात्रि भोजन त्याग तो कर ही सकते हैं। अपने घर में शासन ध्वज लगा सकते हैं। हमारा शासन जयवंता है और रहेगा। वंदे जिन